सत श्री अकाल जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज की इस व्लॉग में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये मेरे पूरे YouTube चैनल में जितनी वीडियो बनी सबसे सस्ती वीडियो है, क्योंकि है इंदिरापुरम की बैक साइड की जरूर है, इससे सस्ती वीडियो मैंने नहीं बनाई। 1 BHK है, बहुत सस्ता, मतलब कि 22-23 लाख रुपये की आस्किंग होगी इसकी, और जो कि नेगोशियेबल है। तो डिस्प्ले में नंबर मेंशन है, डिस्प्ले में प्राइस मेंशन है, उन सबके लिए जिनका बजट सिर्फ 20-20 लाख होता था उनके लिए लेकर आया हूँ। आइए, रेडी टू मूव, न्यू प्रॉपर्टी है, अच्छा काम है, बहुत बढ़िया लेआउट है, और वीडियो पूरी देखना, आपको जो जो कंसर्न होगा वहाँ पे फुलफिल हो जाए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अच्छा इंटीरियर भी हुआ पड़ा है इस बिल्डिंग में, 200 मीटर का प्लॉट है, 4 यूनिट बनी हुई है, फ्लोर पे 2 आगे 2 पीछे, बेसमेंट पार्किंग है, लिफ्ट नहीं है दोस्तों, मेन रोड की प्रॉपर्टी है, सिफ्टा रोड पे। 1 BHK लेकर आया, तुम्हारा लक्की भाई, जल्दी आओ, पसंद करो और अपना बनाओ, वीडियो पूरी देखना। दोस्तों ये आपकी मेन रोड की प्रॉपर्टी लेकर आया तुम्हारा लक्की, देख सकती हो 80 फीटा रोड है, टू साइड की लाइन है। 1 BHK लेकर आया हूँ बेसमेंट पार्किंग के साथ, और यहाँ से आपकी बेसमेंट शुरू हो जाती है पार्किंग। ये दोस्तों पूरा आपका लॉबी का एरिया रहेगा, ये फ्लोर पे 4 है, देख सकते हो, 2 फ्रंट में है, 2 बैक में, आपका पूरा स्टेयर्स का पार्ट है। और इसका मैं आपके लिए हाउस टूर लेकर आया हूँ पूरा, 1 BHK का। डिस्प्ले नंबर मेंशन है, प्राइस मेंशन है, और ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन आ जाता है आपके इस 1 BHK के अंदर। पूरी वॉल हाइलाइटेड आप देख सकते हो, मेन स्विचेस का बोर्ड आपको एड्रेस में मिल जाता है, और पूरी काम देखिए फॉल सीलिंग का दोस्तों, सामने आपका टीवी पैनल आ गया, नीचे भी काम देखिए जो कारपेट एरिया बिल्डर ने निकाला है, तो ये पूरी वॉल आपकी हाइलाइटेड आप देख सकते हो भाइयों इस 1 BHK के अंदर। बहुत सस्ता 1 BHK है दोस्तों, जिसके बजट में है जरूर कॉल करना, जल्दी आना, विजिट करना। और ये वॉल पे आपका वेंटिलेशन दे दिया, विंडो का स्पेस, पूरा स्पेस देख सकते हो जो आपका यहाँ पे आपका 5 सीटर सोफ़ा आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर टेबल के साथ वॉकिंग स्पेस आपको अच्छा खासा 1 BHK के हिसाब से अच्छा खासा निकलेगा। और सामने किचन भी आपको एलशेप की बहुत अच्छी स्पेस में दी हुई है, नीचे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कैबिनेट्स खोले हुए हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि मॉडुलर किचन मिल रहा है, और इसमें भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो का स्पेस दे रखा है। ये आपका वॉशिंग स्पेस आ गया, टॉप आपका पूरा ब्लैक रहने वाला है, और टाइल्स जो देख रहे हैं आप ये पूरी आपकी सेरेमिक टाइल्स हैं, और ये आपका पूरा स्पेस जो रहने वाला है ये हाईलाइट कर रखा है, जो आपका चिमनी का स्पेस आएगा, और थिकनेस भी आप देख सकते हो कैबिनेट्स की दोस्तों, सॉफ्ट क्लोज के साथ बिल्डर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है आपके कैबिनेट, हाइड्रोलिक्स लगे पड़े हैं, तो अच्छा काम किया है ये 1 BHK के हिसाब से, नो डाउट। और यहाँ पे भी पूरा प्रोविजन दिया, आप अपना गीजर यहाँ पे लगवा सकते हैं, जो सब चीज़ों का जो जो मेन कंसर्न होता है किया हुआ है। और ये पूरा व्यू देखिए किचन से जो आपका निकल के आ रहा है आपके लिविंग स्पेस का, 1 BHK में पूरी वॉल आपकी हाइलाइटेड है, और ये पूरा कारपेट एरिया, और ये टीवी पैनल भी अच्छा खासा स्पेस का दिया, इस स्पेस के हिसाब से आप यहाँ पे 49 या 50 इंचज़ का स्क्रीन का लगाए, बहुत बढ़िया आपका ऊपर दे रखा है प्रोविज़न एसी का, जहाँ पे आपका स्प्लिट एसी भी लग सकता है। और ये पूरा काम पे नज़र डालिए, जो आपका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बिल्डर ने यहाँ पे करा के दे रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया काम है नो डाउट, क्योंकि एंट्रेंस में देख सकते हो आपको बहुत अच्छा एक पैसेज एरिया मिल जाता है एंट्रेंस में, जो कि एक फील अच्छी मिल जाती है आपके 1 BHK में, आप देख सकते हैं एंट्रेंस में जो आपको एक पैसेज एरिया मिलता है, तो आपका ये एरिया प्राइवेसी बनी रहती है हमेशा। तो ये आपका पूरा 1 BHK का जो लेआउट है, अच्छा लेआउट है नो डाउट। तो यहाँ से ये आ जाता है आपका 1 BHK, तो फर्स्ट बेडरूम यही है आपका, यहाँ लेके चलता हूँ, और उससे पहले नज़र डालिए, बार बार दिखा रहा हूँ, हर एंगल से दिखा रहा हूँ आपको, जो जो कंसर्न हो इस 1 BHK के लिए तो ज़रूर देखिए। ये आ गया आपका फर्स्ट बेडरूम, सेम हाई ग्लोस की वेट्रीफाइड टाइल्स, मेन स्विचेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वार्डरोब के साथ, और पीछे की वॉल पूरी हाइलाइटेड है दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे की वॉल पूरी इसमें हाइलाइटेड है, ऊपर का काम भी देख सकते हो, फॉल सीलिंग का बहुत बढ़िया कर रखा है बिल्डर ने, नो डाउट, सेम एज इट इज़ मिलेगा दोस्तों, फैन वगैरह सब लग के मिलेंगे, सामने की वॉल भी अच्छी खासी है, रूम साइज़ भी अच्छा निकाला हुआ है, और पीछे का स्पेस है क्योंकि बैक साइड है, तो ये पीछे का पूरा स्पेस आपका रहने वाला ओपन का, यहाँ पे वाटर सप्लाई आपको दी हुई है। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन देखिए आप अपनी इस फर्स्ट बेडरूम के अंदर, और सामने आ गया वार्डरोब, वार्डरोब के अंदर भी आपको अच्छा खासा स्पेस दिया है, ये आपका ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग यहाँ पे आपको अपना मिरर खुद लगवाना पड़ेगा, और ये पूरा स्पेस आपको बिल्डर ने निकाल के दिया है, जो कि आपका सॉफ्ट क्लोज के साथ आएगा। और ये आपका वार्डरोब स्पेस भी देख सकते हैं दोस्तों, जो कि बिल्डर आपको प्रोवाइड करा रहा है आपके 1 BHK के अंदर,
तो फर्स्ट इम्प्रेशन फिर से डालिए आप अपने इस फर्स्ट बेडरूम के अंदर। कारपेट एरिया भी देख सकते हैं, अच्छा खासा निकाला हुआ है। पीछे की वॉल पूरी हाईलाइटेड है दोस्तों, जो आप शाइनिंग देख रहे हो। वॉलपेपर का मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया इसमें कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मेरे को लाइव दिख रहा, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है दिख रहा, पर रिफ्लेक्ट बहुत अच्छे कलर्स हो रहे हैं इस वॉलपेपर में। तो बहुत बढ़िया 1 BHK दोस्तों। और इसके साथ लेके चलता हूँ मैं आपको कनेक्टेड वॉशरूम, देख सकते हो सेटिंग्स पे आ गया। ये आपका पूरा हाईलाइट है आपका शॉवर का स्पेस, यहाँ पे आपकी हैंड वॉश का स्पेस आएगा। यहाँ पे भी एग्जॉस्ट वगैरह का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है बिल्डर ने, आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका रहने वाला कनेक्टेड वॉशरूम आपके इस 1 BHK के अंदर। तो दोस्तों ये था 1 BHK जो कि 22-23 लाख रुपए की आस्किंग है और नेगोशिएबल है। तो जो जो बंदे के बजट में आ रहा है 20-21 लाख में घर जो देख रहे हैं पर हमें, वो जरूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। 1 BHK जरूर है, लेकिन मेन रोड की प्रॉपर्टी, 80 फीट रोड की प्रॉपर्टी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, स्कूल फेसिंग है, तो हर चीज़ आपको रिसोर्सेज नियर बाय मिल जाएगी। और अगर आप में तो कोई भी बंदा कुछ और कवर कराना चाहता है कहीं और की प्रॉपर्टी डेली वाली की, जरूर कमेंट में बताना, जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको भी कवर करूँगा। दोस्तों आज के दिन इतना ही, भाई के लिए दुआ करना, प्यार बनाए रखना, ऐसे और भी प्यारे लोग आते रहेंगे, आपको इंटरटेनमेंट करता रहूँगा अपनी वीडियोज़ के साथ और ऐसी डील निकाल के देता रहूँगा।